पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पहली बरसात के बाद नगर निगम ने अपनी तैयारी पूरी तरह से और भी दुरुस्त कर ली है। महापौर ने कैंप कार्यालय पर सफाई निरीक्षकों को स्पष्ट आदेश दिए कि वो अपने अपने वार्डों में नालों पर अतिक्रमण किए गए लोगों को नोटिस जारी करें। जो भी सफाई निरीक्षक अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा नोटिस जारी करेगा उस सफाई निरीक्षक को पुरस्कृत किया जाएगा। और साथ ही स्वच्छ भारत अभियान मिशन के तहत 15 जुलाई से शहर में पॉलीथीन मुक्ति अभियान भी चलाया जाएगा। कैंप कार्यालय पर आयोजित सफाई निरीक्षकों के साथ महापौर विनोद अग्रवाल के द्वारा बैठक की गई, जिसमें सभी को दिशा निर्देश दिए गए कि बरसात शुरू हो चुकी है और शहर में जल भराव नहीं होना चाहिए, जिस पर सभी ने सहमति जताते हुए कहा कि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। पहली बारिश है तो स्वाभाविक है कि जहां जहां पर ब्लॉकेज है, एनक्रोचमेंट है, वहां वहां पर कहीं कहीं दिक्कत आई। पर आज सवेरे से लगातार हमारी महानगर में सफाई की टीमें महानगर में ब्लॉकेज खोली हैं। और अब मैं हमेशा की तरह मैं समझता हूँ कि इस बार बरसात रुकने के बाद आधा घंटे में पानी वहाँ से क्लियर हो जाएगा। यही पूरे महानगर के प्रत्येक नालों की समीक्षा की गई है, प्रत्येक क्षेत्र की गई है और लोगों से अपील करने के लिए कहा है कि अब नाले साफ हो गए, नालों के अंदर पॉलीथीन थर्मोकोल ये 15 तारीख से बैन होने जा रही है। अब अगर नालों के अंदर किसी ने भी इस तरीके का कचरा कूड़ा डाला तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, जुर्माना लगेगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।